हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पर स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रेगुलमेंट बोर्ड, इनकी तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, जो के नोटिस है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था CBT 2 कंप्यूटर बेस्ड, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उस जो पेपर 2 था, जो सेकंड स्टेज थी फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस NTPC ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्टेज। और इसमें क्या था, जो आपकी जो नोटिस में आया है, जो व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, इसके रिगार्डिंग और कोई भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करनी है, कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे क्वेश्चन या ऑप्शन या कीज़ के रिगार्डिंग, जो उसके रिगार्डिंग नोटिस आया है। इस पे जो आप सेकंड स्टेज जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसमें लेवल पे 5, जो लेवल पे लेवल जो था आपका 5, 3 एंड 2 का, जो CEN 1/2019 का जो एग्ज़ाम था, और ये कंडक्ट कब हुआ था, 12/6/2022 से लेके 17/6/2022 तक। इसका क्या है, जो भी आपकी इन्होंने नीचे टाइम और शेड्यूल दिया है, आप कब से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं 22/6/2022 से 17, मतलब क्या है, ये 5 बजे से लेके आप कब तक देख सकते हैं, 27/6/2022 तक, और कब तक, 23/55 तक, और ये क्या है आपका, 11/55 तक। और इसकी जो आपकी जो भी आपका साथ, और इसके साथ ही जो भी फीस प्रोसीजर है, जो इन्होंने वो भी बताया है, व्यूइंग एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस, ऑप्शंस, कीज एंड ऑनलाइन पेमेंट, वो आपको बता दी है 22/6/2022 से जो आपका टाइम दिया है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, जो आपका है क्लोजिंग द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन रेजिंग पेमेंट विंडो एंड पेमेंट विंडो, वो है आपकी 27/6/2022, वो 11/55 तक। उसके बाद जो फीस है आपकी, प्रिस्क्राइब्ड फीस जो है ऑब्जेक्शन फीस, वो ₹50 प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस पर क्वेश्चन। इसके साथ ही जो इन्होंने आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो प्रोसीजर है, जो आपका अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन या कुछ भी आप रेज करते हो तो उसके रिगार्डिंग, और इन्होंने नोट दिया है पेमेंट डेबिट कार्ड के, पेमेंट डेबिट कार्ड के लिए जिसे आप करोगे वो क्या है, ऑल बैंक रुपए डेबिट कार्ड आर अलाउड। नेक्स्ट देखिए, SBI वीज़ा मास्टर डेबिट कार्ड आर अलाउड, अदर बैंक वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड, ये इन्होंने दिया है। उसके बाद देखिए जो फर्दर 3, 4 एंड 5 पॉइंट हैं, जो आपके प्रोसीजर है जो रेजिंग ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग, इन्होंने इसमें वही टाइम बताया है, डेट बताई है, और इसके साथ आप जो भी इन्होंने कहा, इन्होंने जो नेक्स्ट में कहा है, द डिसीजन ऑफ RRBs ऑन ऑब्जेक्शन रेज शुड बी फाइनल, वो फाइनल है ये वाला, और बाइंडिंग एंड नो फर्दर कॉरस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द मैटर, उसके बाद कोई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, द डिटेल्ड प्रोसीजर जो थर्ड पॉइंट है, द डिटेल्ड प्रोसीजर विद द नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो लिंक आपको प्रोवाइडेड है, उस पर जो आपका जो भी तारीख, जिस भी डेट टाइम से आपको दिया है तब तक। और ये था हमारा जो अभी जो RRB की जो आपका है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था, जो CEN 1/2019 के रिगार्डिंग था। इस पर आप कोई भी पेपर रिस्पॉन्सिस या आंसर कीज के रिगार्डिंग या रेजिंग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, किसके रिगार्डिंग, क्वेश्चन, ऑप्शन या कीज के रिगार्डिंग। अगर हमारे चैनल पर कोई भी स्टूडेंट्स नए आए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कर दें, ताकि आप कुछ भी जो गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग आप मिस ना कर पाएँ। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, या मान लीजिए आपके पास अप्लाई नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग जिन्होंने अभी पेपर दिया है, वो भी अपना जो आंसर कीज या सब कुछ जान पाएँ। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।